नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे NSE द्वारा बनाई गई नई वेबसाइट की, जिसका कि अभी बीटा वर्जन इंटरनेट पर उपलब्ध है। आज हम इस वेबसाइट के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ नया है इस वेबसाइट में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि हर अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों अपना सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं NSE की बीटा वेबसाइट पर। जैसा कि आप कर्सर पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्लिक करना है और अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हम NSE की बीटा वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो ये दोस्तों मैं क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने क्लिक कर दिया है, प्रोसेस हो रहा है। और ये रही आपकी नई नवेली NSE की साइट। इन मैडम को आप जानते हैं, आप इनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स को संभालती है। हालांकि इसके लिए वीडियो नहीं बनाया है, वीडियो बना है नई वेबसाइट के लिए। तो अब हम बताते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा इधर तो NSE का लोगो चेंज हुआ है, प्लस होम, मार्केट डाटा, इन्वेस्ट, लिस्ट, ट्रेड, रेगुलेशन, लर्न, रिसोर्स, सारी चीज़ें हैं। अब हमारे काम की चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए NSE इंडाइसेस लिखा है यहाँ पर, NSE इंडाइसेस लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इंडाइसेस का दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। निफ्टी 50 आपको दिख रहा है, नेक्स्ट 50 दिख रहा है, मिड कैप 50 दिख रहा है, ऑटो दिख रहा है, और यहाँ पूरा ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया गया है। ये देखिए, जो पिछले वाली वेबसाइट थी वो इतना क्लियर डाटा शो नहीं कर पा रही थी। अब ये देखिए पूरा आपको फ्लैश प्लेयर के माध्यम से पूरा चार्ट दिख रहा है, प्लस यहीं पे आपको लाइव एकदम डाटा बदलता हुआ भी मिल जाएगा आपको, और पास में ही टॉप गेनर लूजर दिख रहे हैं आपको, सारी चीज़ें एक साथ है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 50 की तरफ। सेम एज इट इज़ आपको एडवांस डिक्लाइन रेशो भी यही पता चल जाएगा, अनचेंज है कि नहीं ये पता चल जाएगा। पूरा चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, गेनर लूजर दिख रहे हैं यहाँ पर, और आपको ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स भी दिख रहे हैं। अब मैं जो खास चीज़ें आपको बताने का सोचा है मैंने, वो यहाँ पर है। देखिए ये डेरिवेटिव पे क्लिक किया मैंने, अभी डेरिवेटिव में ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 फ्यूचर में हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ है या कौन से फ्यूचर में है। तो 28 नंबर वाले एक्सपायरी वाले फ्यूचर में है। अब वैल्यू से भी आप छांट सकते हैं। अब हम चूँकि मेरा मोस्टली काम स्टॉक फ्यूचर्स में भी होता है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया। अब अगर आप वैल्यू यानी कि पैसों से देखेंगे कि किस में कितने ज़्यादा पैसों का कारोबार हो रहा है, तो ये उन शेयर्स या फ्यूचर्स की लिस्ट है जिसमें ज़्यादा कारोबार हो रहा है। हम टॉप 5 की बातें करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहले नंबर पर रिलायंस है, दूसरे पे SBI, यस बैंक, ICIC, यानी कि मोटा मोटी देख लीजिए 3 बैंक है साथ में और एक RBL, 4 दिख रहे हैं मुझे बैंकिंग सेक्टर। वो वॉल्यूम जैसे शेयर्स किन में ज़्यादा शेयर्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो नंबर 1 पे रिलायंस नहीं है, यहाँ पर नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर यस बैंक है, नंबर 3 पर आईबुल, और चौथे पे RBL बैंक है, और पाँचवें पे है टाटा स्टील। तो यहाँ पर आप इससे वॉल्यूम छांट सकते हैं और वैल्यू से भी छांट सकते हैं। करेंसी डेरिवेटिव का भी एक क्लिक पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको कमोडिटी बाज़ार की भी सारी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो ये साइट अभी हालांकि बीटा वर्जन पे है, लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको एक सिंगल क्लिक पे मिल जाएगी। पहले वाली वेबसाइट में थोड़ी सी दिक्कत यह थी कि आपको अगर डिटेल जानकारी लेना है तो बार बार आपको चीज़ें ऊपर नीचे स्क्रॉल अप एंड डाउन करना पड़ता था। इसमें ये नहीं है, सारा डाटा एक जगह मिल जाएगा आपको एक क्लिक पे। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कमेंट करके, लाइक करके, कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दबाइएगा।